हेलो एवरीवन, दिस इज निर्मला बिष्ट एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर ऑन माय यूट्यूब चैनल निर्मला फिजिक्स। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम की। अपने पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ओके, तो आज हम बात करते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो बच्चों, याद कीजिए, इससे पहले के कुछ वीडियोस में हमने ये पढ़ा था, एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज इट, रिलेटिव, सॉरी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या वैक्यूम भी कह सकते हो आप, ऑफ फ्री स्पेस की परमिटिविटी थी। और इसकी कुछ वैल्यू होती है हमारी 8.85 × 10⁻¹². ठीक है, ऐसे ही बच्चों क्या होता है, अगर हमारा जो सिस्टम है, जो हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है, हमारे Q1 Q2, बीच की डिस्टेंस है इनकी हमारी आर डिस्टेंस है, ये अगर हमारे स्पेस में रखे होते हैं तो हम कूलम्स लॉ कैसे लिखते थे, F=1/4πε₀Q1Q2/r² अगर हम क्या करते हैं, इस सिस्टम को मैंने एक मीडियम में रख दिया, मीडियम में प्लेस कर दिया, मीन्स यहाँ पर हमारा वैक्यूम ना होगा, कुछ एयर है या वाटर है या फिर हमारे पास कोई दूसरा कोई अदर मीडियम है हमारा, ठीक है, कोई मीडियम में रख दिया है, तो हम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की बजाय हम एप्सिलॉन यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करते हैं, एप्सिलॉन यूज़ करते हैं। और इस एप्सिलॉन को हम क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ, ये भी हमारी परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, पार्टिकल मीडियम कह सकते हो आप, कोई भी हमारे पास एक पार्टिकल मीडियम, फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम, मतलब उसमें कोई भी पार्टिकल नहीं होगा, पार्टिकल मीडियम, ठीक है। अब होता क्या, देखिए हम बात कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, आप इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल सकते हैं, यहाँ पे आप लिख देंगे रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक, ये हमारा परमिटिविटी ऑफ पार्टिकल मीडियम। नाउ देखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी क्या चीज़ है, ये हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये हमारा परमिटिविटी ऑफ पार्टिकल मीडियम है। तो अगर हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, देन द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ पार्टिकल मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज नोन एज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है, क्या बोलेंगे, द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ पार्टिकल मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज नोन एज द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मीडियम और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर, सॉरी हाँ बच्चों, इसको नोट नहीं कीजिएगा, रिलेटिव परमिटिव आर लगाएंगे, इसका मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, समटाइम इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय के, कहीं कहीं पर इसको क्या डिनोट करता है, के से डिनोट किया जाता है, ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे, डेफिनेशन आपने डाल ली होगी, बच्चों की सी है बच्चों जैसी। अब देखिए, एक नोट डालेंगे आप लोग, नोट डालेंगे, नोट ये होगा, फॉर अ पार्टिकल मीडियम, कूलम्स लॉ इज रिटन एज, ऐसे लिखा जाता है, देखिए कैसे, F=1/4πε₀ on the epsilon, अगर कोई मीडियम है पार्टिकल मीडियम, अगर यहाँ पर हमारा पार्टिकल मीडियम ना कोई वैक्यूम होता तो आप एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे, ठीक है, फॉर अ पार्टिकल मीडियम एप्सिलॉन 4πε₀ Q1 Q2/r², देखिए फॉर अ टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, सेपरेटेड बाय आर डिस्टेंस, प्लेस इन अ पार्टिकल मीडियम, देखिए बच्चों इसको देखिए आप, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को हम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऐसा भी नोट कर सकते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, F=1/4πε₀ × εr Q1 Q2/r²
इट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर अ पार्टिकल, फॉर अ पार्टिकल मीडियम. ठीक है, ये नोट कीजिए, करेंगे जल्दी से, नोट करें जल्दी से. तो बच्चों अब हम बात करते हैं, एक नोट नंबर टू डालेंगे, नोट नंबर टू या रिमार्क भी कह सकते हैं, फॉर वैक्यूम. देखिए वही वाला कूलम्स लॉ डिराइव करेंगे जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था. फॉर वैक्यूम और अ फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस मीन्स देयर इज नो एनी पार्टिकल मीडियम, कोई भी पार्टिकल मीडियम नहीं होगा. क्या करते थे, एप्सिलॉन नॉट लगाते हैं. बट अभी थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि एप्सिलॉन जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी वो एप्सिलॉन है. देखिएगा अभी क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता क्या है, सिंस देखेंगे बच्चों, सिंस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर फ्री स्पेस मींस एप्सिलॉन आर इज, आर फॉर फ्री स्पेस इज वन. जो हमारी फ्री स्पेस होता है उसके लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चों, वन होती है. तो अगर हम यहाँ पे वन पुट कर देंगे तो हमारे पास वही एक्सप्रेशन आ जाएगा जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, एंड दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर अ फ्री स्पेस. ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे इसे.